नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं और आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रही हूं जो आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाएगी। ये कहानी है इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के सीईओ और फाउंडर गौरव तिवारी की, जिसकी मौत एक ऐसी चौंकाने वाली कहानी बन गई, क्योंकि गौरव तिवारी पैरा नॉर्मल और अंधविश्वास के दायरे में आने वाली ऐसी कई प्रश्नों का वो जवाब देते थे जो सिर्फ वैज्ञानिक आधार को ही मानते थे। दोस्तों, यूं तो जिंदगी को समझना ही बहुत मुश्किल है, तो मौत का जो सच होता है उसे जानना इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन गौरव तिवारी, उनका शौक था मुर्दों को ढूंढना, उनसे बातें करना और अनजान और अदृश्य लोगों की पहेली बुझाना, एक तरह से गौरव का ये पेशा था। लेकिन अब गौरव की मौत खुद एक पहेली बन गई है। अपनी महारत, खास मशीन और कैमरे की मदद से हमेशा एक ऐसी दुनिया में खोया रहता था, सुनसान हवेली में, तो कभी खंडहर में, तो कभी कब्रिस्तान में, तो कभी एकदम बियाबान इलाके में, और कभी कभी मॉर्चरी में भी उसको देखा गया था। अच्छा, आपको कुछ अजीब लग सकता है, लेकिन ये नौजवान मुर्दों के साथ लेट करके उनका सच जानता था, उनसे बातें किया करता था। अब बड़ा अफसोस होता है कि वही गौरव तिवारी अपनी ही मौत की एक ऐसी पहेली छोड़ गया जिसे खुद पुलिस भी आज तक सुलझा नहीं पाई। 32 साल का नौजवान गौरव तिवारी अमेरिका से प्रोफेशनल पायलट की ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ देता है और हिंदुस्तान लौट आता है, और यहाँ पर आकर के उसने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का गठन किया और फिर लग गया वो एक अनोखे सच को जानने में। देश और दुनिया में करीब 6000 हॉन्टेड लोकेशन की जांच करने वाले गौरव की लाश 7 जुलाई 2016 को दिल्ली के द्वारका इलाके में उसी के फ्लैट में पाई गई, और वो अपने ही घर के बाथरूम के फर्श पे गिरा पड़ा था। गौरव के गले पे हल्के निशान थे जो ये गुमा दे रहे थे कि शायद इसके गले पे फंदा कसा गया है। अब बहुत सारे सवाल हैं। क्या गौरव तिवारी ने खुदकशी की? क्या गौरव का कत्ल किया गया? क्या गौरव का काम ही उसकी मौत की वजह बन गया? क्या गौरव के जो अदृश्य, कहिए कि मेहमान, वही उसके दुश्मन बन गए? या फिर गौरव की नेगेटिव सोच उस पर इतनी हावी हो गई थी कि उसने गौरव को एक ना खत्म होने वाले रास्ते पे धकेल दिया? गौरव की जिंदगी जिन रहस्यों को तलाशने में बीतती है, कुछ वैसे ही रहस्यमयी सवाल अब उसके जाने के बाद उठ रहे हैं। दरअसल गौरव को ना तो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, ना ही किसी तरह की परेशानी, और हाल ही में उसकी शादी हुई थी, कोई बीमारी भी नहीं थी, और मौत से एक दिन पहले आखिरी रात वो अपने काम पे जुटा हुआ था। गौरव दिल्ली के एक हॉन्टेड प्लेस की जांच कर रहा था, जहाँ तक के मरने से बस कुछ ही पल पहले वो अपने लैपटॉप पे मेल चेक कर रहा था। इसके बाद अचानक वो उठ करके बाथरूम में जाता है और फिर कुछ देर के बाद घर वालों को धड़ाम की आवाज़ आती है बाथरूम में, और इसी के बाद जब गौरव के पिता और उनकी पत्नी बाथरूम में
झांकते हैं तो वो फर्श पे बेसुध मिलते हैं। इसके बाद गौरव को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, मगर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। गौरव की मौत के बाद पूछताछ के दौरान गौरव की बीवी ने पुलिस को एक अजीब बात बताई। उसने कहा कि गौरव ने मरने के कुछ दिन पहले ही ये कहा था कि कुछ नेगेटिव पावर्स हैं जो उसे मरने के लिए मजबूर कर रही है, यानी कि अंदर से उसको कोई ये कह रहा था कि तुम मर जाओ। और पुलिस को गौरव की बीवी ने ये बताया तो उसके बाद पुलिस दूसरी लीड पे काम करती है, लेकिन गौरव की बीवी को तब ये लगा ज़्यादा कि वो काम के वजह से डिप्रेशन में है और जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और वाकई में ही गौरव का काम ही उसकी मौत की वजह बन गई, या के मतलब कुछ ऐसी पावर्स थी जिन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। ये सब सवाल काफ़ी परेशान करने वाले हैं, उलझे हुए हैं। इनके उलझनों के सिरे किसी के हाथ में आज तक नहीं आए हैं। 6 जुलाई 2016 को गौरव पूरे दिन अपने घर में था, फिर शाम 7:30 बजे वो जनकपुरी के एक हॉन्टेड प्लेस की तरफ जाता है छानबीन के लिए, क्योंकि गौरव को उन्हीं जगहों पे वो अनजान शक्तियां मिलती थी और इस सिलसिले में उसको अक्सर घर से बाहर भी रहना पड़ता था। कई बार उसकी वाइफ से उसका झगड़ा होता है और जो भारतीय पत्नियां हैं अक्सर इस बात पे अपने पति से लड़ बैठती हैं कि वो देर से घर क्यों आता है, और यहाँ भी ऐसी ही कुछ बात होती है। लेकिन कोई ये ऐसी बात नहीं थी कि इस बात के लिए गौरव अपनी जान दे दे। 7 जुलाई की सुबह सभी लोग नाश्ता कर रहे थे और 6 तारीख की शाम को मीन्स लेट नाइट में दोनों में झगड़ा होता है। गौरव के बाकी लोग घर के लोग सो गए थे और उसके माता पिता भी चूंकि साथ ही रहते थे, और 7 जुलाई को सुबह नॉर्मली उसने नाश्ता किया और उसके बाद वो कंप्यूटर पर बैठ जाता है, मेल चेक कर रहा था। 11 बजे उसकी लाश बाथरूम में मिलती है। अब गौरव का काम बेशक अनजान और अदृश्य चीज़ों की जानकारी करना था, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस यही मान रही है कि गौरव ने खुदकुशी की और उसके गर्दन पे कुछ निशान भी मिले। फिर भी पुलिस को ऐसी कोई वजह सामने नहीं आ रही है जो ये कहे कि गौरव ने खुदकुशी की है। अलबत्ता पुलिस इतना ज़रूर कह रही है कि अपने काम को लेकर के गौरव को कोई डिप्रेशन था, जबकि उसकी पत्नी ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया। अभी इसकी जानकारी जुटानी बाकी है। अब जाहिर है गौरव का काम कुछ रहस्यमयी ताकतों की खोज करना था, और इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि फिलहाल खुद पुलिस भी गौरव की खुदकुशी की वजह नहीं ढूंढ पाई। जाहिर है हर मौत की कोई ना कोई वजह होती है, और यहाँ पुलिस के साथ साथ गौरव के घर वाले भी ये कह रहे हैं कि गौरव खुदकुशी नहीं कर सकता। तो फिर गौरव का कत्ल हुआ है, या गौरव का जो एक प्रोफेशन था या कहिए कि उसका ये पैशन था वही उसकी मौत की वजह बनी। पुलिस जांच कर रही है और साथ ही इंतज़ार कर रही है कि किस तरीके से गौरव को नेगेटिव ताकतों ने मारने के लिए उकसाया। हालांकि ये जो सवाल है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये साबित नहीं हो सकता कि कौन सी ताकतें और किस तरीके से गौरव को उन्होंने उकसाया। वैसे गौरव और उसके घर वालों को भूत प्रेत पे कभी भरोसा नहीं रहा, वो तो इसे मानते भी नहीं थे। और गौरव प्रोफेशनली पायलट बनना चाहता था, इसीलिए अमेरिका में जाता है और ट्रेनिंग लेता है, लेकिन उसने 2006 में अपनी ट्रेनिंग अधूरी छोड़ दी। एक और बात है जो बहुत हैरान करने वाली है,
पैरानॉर्मल उसकी रिसर्च बहुत बड़ी थी। 2009 में गौरव हिंदुस्तान लौटता है और पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन करता है। उसकी पूरी टीम बिल्कुल हाईटेक थी। गौरव ने अपनी टीम के साथ 6000 से ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस की तफ्तीश की थी। और एक और ख़ास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के एक रियलिटी हॉरर शो में गौरव हिस्सा भी बने उसका। हिंदुस्तान में भी कई टीवी शो में वो पहुँचे हैं। वहाँ उन्होंने अपने कहिए कि जो अदृश्य शक्तियाँ हैं उनसे कैसे बातें की, वो सब उन्होंने बयां किया। गौरव ने एक हिट हिंदी फिल्म 16 दिसंबर और टैंगो चार्ली में भी एक्टिंग की। गौरव तिवारी पैरानॉर्मल जांचकर्ता की हैसियत से तमाम ऐसी जगहों की पड़ताल करते थे जहां एक नॉर्मल व्यक्ति जाने से डरता है, यानी कि सोचता भी नहीं कि मैं वहां जाऊं। और गौरव की पैरानॉर्मल रिसर्च पर इतनी ज़्यादा पकड़ थी कि उनकी पूरी टीम हाईटेक मशीनों से लैस होने के बावजूद पूरी तरह से गौरव के अनुभव पर ही निर्भर थी। गौरव तिवारी जो हैं सर्टिफाइड पैरानॉर्मल जांचकर्ता के साथ साथ यूएफओ के सर्टिफाइड फील्ड जांचकर्ता भी थे। तो दोस्तों, इतना हाईटेक और अदृश्य शक्तियों के साथ बात करने वाला व्यक्ति काफ़ी सारे सवाल छोड़ के गया है अपने पीछे, जिन्हें आज तक पुलिस खोज रही है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ज़िंदगी में उसे दिलचस्पी नहीं थी, वो मौत का सच जानना चाहता था। मौत के बाद की लाइफ क्या है, सच्चाई क्या है, वो जानना चाहता था। हमेशा हमेशा मुर्दों को ढूंढना उसका पैशन बन गया था। मुर्दों से बात करना उसका शगल, और एकदम हॉन्टेड जो हवेलियाँ थी वहाँ पर जाना, और वहाँ पर जा कर के घंटों अपने जो उसके इंस्ट्रूमेंट थे उनके साथ फोटोग्राफी करना, आवाज़ें सुनना, बात करना, मतलब एक पूरा उसका पैशन था, पेशा था और प्रोफेशन था। लेकिन आज वो खुद एक पहेली बन गया है। आज तक जो है उसकी मौत से पर्दा नहीं उठ सका है और उसकी मौत अनसुलझी पहेली बनी हुई है। तो दोस्तों, गौरव तिवारी की कहानी आपको कैसी लगी? मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। और जाने से पहले एक बात कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रही है तो, अदरवाइज नहीं। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।